बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। हेलो एवरीवन, मैं हूं रश्मि मिगलानी, आपकी लाइफ डिजाइनर। आज हम डिस्कस करेंगे पितृ दोष की, क्योंकि श्राद्ध यानी कि पितृ पक्ष शुरू हो चुके हैं और ये जो 15 दिन होते हैं पूर्णिमा से अमावस्या तक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में अगर हम पितृदोष से पीड़ित हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि पितृदोष होता क्या है, कैसे मालूम चले कि हम पितृदोष से पीड़ित हैं, और अगर पीड़ित हैं तो क्या उपाय करें इस पितृपक्ष में, इन श्राद्धों में, कि हमारी लाइफ में सुख समृद्धि हमें हमेशा बनी रहे और हमारा जीवन खुशहाल हो। तो सबसे पहले जानते हैं कि पितृदोष का मतलब क्या होता है। पितृदोष का मतलब होता है कि अगर हमारी पास्ट लाइफ में किसी पॉइंट पे हमने अपने फादर, अपने पिता को अगर ठीक से ट्रीट नहीं किया, हमने उनके अच्छे से ध्यान नहीं किया, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की, उनको प्यार नहीं दिया, इन अ वे हम कह सकते हैं हमने किसी मोमेंट पे अपने पिता को, अपने फादर को अगर खुश नहीं रखा अपने लास्ट बर्थ में, तो जो कार्मिक बिहेवियर हमारा पिछले बर्थ का था वो हमें इस साल भोगना पड़ रहा है। तो ये हमारा पितृदोष जो है हमारे हॉरोस्कोप के बर्थ चार्ट में हमारे काफ़ी क्लियरली विजिबल होता है। और अगर आप कॉम्बिनेशंस की बात करें तो हो सकता है कि अगर सूर्य के साथ राहु हो और मोर और लेस पैरेलल डिग्री पे हो तो आप कह सकते हैं पितृदोष है। अगर सूर्य राहु एस्पेक्ट कर रहे हैं, दृष्टि दे रहे हैं, तो भी आप कह सकते हैं कि ये पितृदोष है। अगर सूर्य और शनि कंजंक्ट कर जाएं, एक ही घर में हो, एक ही हाउस में हो, तो भी आप कह सकते हैं। ये कुछ बेसिक सिम्टम्स हैं, इसके अलावा और बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस हैं, इसकी हम आज बात नहीं करेंगे क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं बेसिक सिम्टम्स की एक लेमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर आपके पास आपकी लाइफ में कोई, इन जो परेशानियां मैं अभी बात करूंगी इनमें से कोई भी एक परेशानी आपको परेशान कर रही है आपकी लाइफ में, तो आप एनालाइज कीजिए। आज मैं 7 पॉइंट्स की बात करूंगी कि अगर ये 7 पॉइंट्स में से अगर एक भी पॉइंट, एक भी सिम्टम हमारी लाइफ में है अगर हमें परेशान कर रहा है तो हो सकता है हम पितृदोष से पीड़ित हैं। पर ध्यान रखिएगा, अगर ये 7 में से 1 भी कोई आपकी लाइफ में पितृदोष के सिम्टम्स हैं, पर रेमेडीज आपको 7 बताऊंगी, ये रेमेडीज आपने पूरी 7 अगर श्राद्ध में, पितृपक्ष में की, तो आपको जितना भी आपके सिम्टम्स हैं, जो भी आपको परेशानियां हैं पितृदोष से, वो आपकी जल्दी ही इनसे रिलीफ मिलेगा आपको और आपकी लाइफ बहुत ही खुशहाल हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पहला क्या सिम्टम है जो हमें सिग्निफाई करता है कि हमारी लाइफ में हो सकता है कि पितृदोष है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की, हमारे लाइफ में, हमारी प्रेजेंट लाइफ में जो हमारे फादर हैं, हमारे रिलेशंस उनके साथ कैसे हैं। अगर हमारे रिलेशंस उनके साथ खराब हैं, हमारी उनसे बातचीत नहीं होती, अक्सर आर्ग्यूमेंट्स होती हैं, हमारे फादर अगर अक्सर बीमार रहते हैं, तो क्वाइट पॉसिबल है ये एक सिम्टम हो सकता है पितृदोष का। नेक्स्ट अगर हम बात करें पितृदोष की सेकेंड सिम्टम की, तो वो है कि हमारी लाइफ में कोई एक परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। हमारी जॉब लगती है, छूट जाती है, हमारा बेसिकली हमारी जो लाइफ की जो बेसिक ब्रेड एंड बटर है उसके लिए भी हमें अगर सर्वाइव करने में हमें मुश्किल आ रही है, हमें अपनी बेसिक नीड्स को सपोर्ट करने के लिए भी हमें लग रहा है कि सोचना पड़ रहा है कि हम ये खर्चा करें कि ना करें, तो ये भी एक सिम्टम, जो फाइनेंशियल क्रंच आता है, जो फाइनेंशियल इश्यूज आते हैं हमारी लाइफ में, ये भी एक पितृदोष की वजह से हो सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें कि अगर हमारी लाइफ में अगर किसी की शादी होने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, डिले हो रही है, रिश्ते आते हैं पर बात आगे मटेरियलाइज नहीं हो पाती है, बात बन नहीं हो पाती, शादी फिक्स नहीं हो पाती, या अगर आप मैरिड हैं और आपकी मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हैं, हर दूसरे दिन आर्ग्यूमेंट्स इतनी बढ़ जाती हैं कि बात डिवोर्स तक आ जाती है, या आप ऑलरेडी डिवोर्स्ड हैं या सेपरेटेड हैं, तो आपकी लाइफ का ये थर्ड सिम्टम हो सकता है काफ़ी प्रोमिनेंट पितृदोष का। नेक्स्ट अगर बात करें, कोई एक मैरिड कपल है और उनको, मैरिड कपल को कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी पॉसिबल है कि ये पितृदोष की वजह से हो सकता है। या अगर उनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई बेबी है, बच्चा है, तो वो बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो ये एक फोर्थ पॉइंट है जो हमारा सिग्निफाई करता है कि हमारे लाइफ में पितृदोष हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर हमारी लाइफ में हमारे फैमिली मेम्बर्स जो हैं,
उनमें से कोई भी एक फैमिली मेंबर अक्सर बीमार रहता है और एक-एक करके बाकी फैमिली मेंबर्स बीमार रहते हैं, या कोई एक फैमिली मेंबर काफी टाइम से बीमार है और उनकी कोई इलनेस, उनकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो पा रही है। स्पेशली अगर बीमारी की बात करें, अगर उनकी कंसिस्टेंट बैक एक रहती है, कमर में दर्द रहता है, तो ये एक पितृदोष का सिम्टम है। अगर फैमिली में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, घर में आप जैसे ही घुसे और आपको लगा कि जैसे मैं तो एक किसी जंग के मैदान में आ गया हूँ, एक के बाद सब ने आर्ग्यूमेंट्स करनी शुरू कर दी, क्लैशेस हो गए बिना, और कोई बिना रीज़न के, तो ये भी एक पितृदोष का सिम्टम है। या फिर आपके फैमिली मेंबर्स आपसे दूर रहते हैं, हस्बैंड कहीं रहता है, वाइफ कहीं रहती है, एक बेटा बेटा कहीं रहता है, बेटी कहीं रहती है, पेरेंट्स कहीं रहते हैं, तो अगर आपकी स्कैटर्ड फैमिली है, ये भी एक पितृदोष को सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट एक बहुत ज़्यादा पॉइंट देखा गया है पितृदोष में, वो है अनटाइमली डेथ इन द फैमिली, अर्ली डेथ इन द फैमिली, या एक ही साल में बहुत ज़्यादा डेथ्स होना फैमिली में, ये भी पितृदोष को सिग्निफाई करता है। तो ये कुछ 7 सिम्टम्स है जिनकी मैंने बात की। अगर आपकी लाइफ में इनमें से कोई भी एक सिम्टम है, तो आपने ये सिम्टम को सीरियसली लेना है। और नेक्स्ट मैं बात करने जा रही हूँ कुछ 7 रेमेडीज की। अगर सिम्टम चाहे एक हो आपकी लाइफ में, दो हो या तीन हो, बट ये रेमेडीज, अगर आप ये 7 की 7 रेमेडीज इस पितृपक्ष में, इन श्राद्धों में रेगुलरली करेंगे, तो आपको पितृदोष की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानी है, उनसे जल्दी ही रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारी प्रेजेंट लाइफ, जो सबसे इजी प्रैक्टिकल और इफेक्टिव सोल्यूशन है, रेमेडी है, वो है इस लाइफ में अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए, उनकी केयर कीजिए, उनको प्रॉपर मेडिकेशन की कोई ज़रूरत है, कोई डॉक्टर की कंसल्टेशन की ज़रूरत है, उनकी कोई टेस्ट दिए हुए हैं, उनका ध्यान रखिए, उनकी नीड्स पर ध्यान रखिए। अगर आप अपने फादर का ध्यान रखेंगे, तो आपको जल्द ही पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपने ध्यान में रखना है, वो है अपने घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर। साउथ वेस्ट कॉर्नर ही क्यों हम बात कर रहे हैं, साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनको सिग्निफाई करता है। अगर साउथ वेस्ट कॉर्नर में हमारा ठीक नहीं होगा वास्तु के हिसाब से, तो जितने भी ब्लेसिंग्स हैं, उनके जितने भी आशीर्वाद हैं, वो ड्रेन हो जाएंगे, वो बह जाएंगे, वो बिल्कुल ही आपकी उनकी ब्लेसिंग्स उनकी फलेंगी नहीं। तो अपने साउथ वेस्ट कॉर्नर के बारे में हमें क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, सबसे पहले साउथ वेस्ट डायरेक्शन में कोई भी वॉशरूम नहीं होना चाहिए, कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कोई डोर या कोई विंडोज़ नहीं होने चाहिए। अगर कोई एंट्रेंस है, तो वो एंट्रेंस भी शिफ्ट करके आप साउथ वेस्ट से किसी और कॉर्नर में लगाइए, या कुछ पिरामिड्स फिक्स करके इस प्रॉब्लम को फिक्स कीजिए। पानी का कोई बोरिंग नहीं होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिए, इस वॉल पर कोई सीपेज नहीं आनी चाहिए, ऐसे में आपको परेशानी हो सकती है पितृदोष से। तो ये चीज़ें बहुत सिंपल और इफेक्टिव मेथड है, आप अपने घर के साउथ वेस्ट कॉर्नर को फिक्स कीजिए। और इसके अलावा साउथ वेस्ट पे आपने क्या करना है, अपने पूर्वजों की, अपने एंसेस्टर्स की फोटोग्राफ वहाँ लगाइए, और देखिए आपका साउथ वेस्ट कैसे स्ट्रांग हो जाता है। आपके रिलेशनशिप्स में भी आप रियलाइज करेंगे काफ़ी सुधार आएगा ऐसे करने से। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, थर्ड पॉइंट जो हमने करना है, हमने जो राइजिंग सन है, उदय होता, जो उदय सूर्य उदय का जो समय है, उस समय हमने सूर्यदेव को पानी देना है, और साथ साथ गायत्री मंत्र का जाप भी करना है। पर ध्यान रखिएगा, जब भी आप सूर्यदेव को पानी दें, जल की छींटे आपके ऊपर बिल्कुल ना पड़े। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर इस पितृपक्ष में ये 15 दिन जो हैं, आप अगर इसमें किसी में से किसी भी एक दिन अगर आप एक पीपल का पेड़ अपने पूर्वजों के नाम का लगाते हैं और उनसे ब्लेसिंग्स लेते हैं, तो आप पितृदोष से मुक्ति पा सकते हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, पीपल का पेड़ आपने अपने घर में नहीं लगाना, आप अपने घर के बाहर ही लगाएंगे। शिव जी, शिव लॉर्ड शिवा जो हैं देवों के देव, जिन्हें हम महादेव भी कहते हैं, अगर आप उन्हें अपना एंसेस्टर, अपने पूर्वज मान के उनसे माफ़ी मांगेंगे, जो भी आप अपने अपने पास्ट लाइफ में, अपने लास्ट बर्थ में जो भी आपने गलत काम किए हैं, जो गुनाह किए हैं, अगर उनसे माफ़ी मांगेंगे सच्चे दिल से, उनके आगे डेली एक घी का दिया जलाएंगे, तो भी आपको पितृपक्ष से, आपको जो पितृदोष है उससे मुक्ति जल्दी मिलेगी। डेली पितृ पक्ष के स्टार्टिंग से, डे 1 से लेके डे 15 तक, अगर आप अपने पिता के उम्र के किसी नीडी आदमी को
अगर भरपेट खाना खिलाएंगे तो भी उनकी ब्लेसिंग से आपके पितृदोष से काफी मुक्ति मिल सकती है आपको। बर्ड्स जो हैं, जो पक्षी हैं, हमारे एक तरह से पितरी हम कहते हैं, हमारे इंसेस्टर्स हैं। अगर वो हम उनको सेटिस्फाई करेंगे, उनको खाना खिलाएंगे तो काफी हद तक हमें पितृदोष से मुक्ति मिल सकती है। बट आप ध्यान रखिएगा, आपने जो बर्ड्स को खाना खिलाना है, अपने घर की टेरेस, अपने घर की बालकनी, वरांडा, पेरिफेरी में बिल्कुल भी खाना नहीं खिलाना है। अगर आप बर्ड फीडिंग करने हैं तो आपने ऐसी जगह पर बर्ड फीड करना है जो आपके घर से थोड़ा सा दूर हो, आपके घर के ऊपर या घर के अंदर आपने बिल्कुल भी बर्ड फीड नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी रेमेडीज हैं, बहुत इजी है, प्रैक्टिकल है, इफेक्टिव है। आप इन्हें ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आपने इनसे कैसे बेनिफिट किया। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो को अगर आपको लगता है आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से आप किसी की प्रॉब्लम्स दूर कर सकते हैं। अगर आपने उनकी प्रॉब्लम्स दूर की तो उनकी ब्लेसिंग्स आपको ज़रूर मिलेंगी, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स अपने आप ही फिक्स हो जाएंगी। सो फिर हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके साथ ज़रूर मिलेंगे कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन, गुड बाय, सी यू, थैंक यू।